हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमें उम्मीद है कि हमारा लास्ट लेक्चर, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर था करीब 15 से 20 लेक्चर्स की सीरीज में, आपको पसंद आया होगा। और उससे पहले जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा सेकंड लेक्चर था, जिसने कंपेयर किया था इसराइल के आयरन डोम सिस्टम को और रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को, भी आपको पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स और फीडबैक के आधार पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने लेक्चर्स को, अपने वीडियोस को और ज्यादा इफेक्टिव, इंफॉर्मेटिव और क्रिस्प बनाएं। दोस्तों, आज जिन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करेंगे इस लेक्चर्स में, पहला टॉपिक है ब्लैक फंगस। आप सभी ने इस पर्टिकुलर टॉपिक, इस बीमारी का हाल ही में बहुत नाम सुना होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाल ही में रिलीज DRDO की जो कोरोना की ड्रग है 2DG, इसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी टेक्नोलॉजी है, क्या इसके फायदे हैं, किस तरीके से इस ड्रग को आप ले सकते हैं और किन कंडीशंस में इस ड्रग को रेकमेंड किया गया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। दोस्तों, ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को आदेश दिया है कि ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोमाइकोसिस को एपिडेमिक एक्ट के तहत तुरंत नोटिफाई किया जाए। अगर आप एक मोटा मोटा आंकड़ा देख लें तो आज 21 मई 2021 तक लगभग पूरे देश में 7,500 मामले ब्लैक फंगस के नोट किए जा चुके हैं और लगभग 220 से ज़्यादा डेथ्स भी पूरे देश में नोटिफाई हो चुकी हैं। अगर आप कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स देखना चाहें जहां पर ब्लैक फंगस के सबसे ज़्यादा मामले या ब्लैक फंगस के कारण सबसे ज़्यादा डेथ्स देखी जा रही हैं, तो सबसे टॉप पर है महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद MP, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, UP, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसकी जो दवाई है, क्योंकि ये महामारी अब एक भयावह रूप धारण करना शुरू कर रही है, तो इसकी जो दवाई है जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी, जिसकी कमी भी लोगों द्वारा बताई जा रही है, इसके उत्पाद को बढ़ाने के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे बाहर से इंपोर्ट करना हो, उसको लेकर भी गवर्नमेंट लगातार अब कोशिश कर रही है, जो आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, पर फंगस क्या है? फंगस एक कॉमन एलिमेंट है जो कि एनवायरनमेंट या वातावरण में हमेशा प्रेजेंट रहता है और एक रेयर फंगल इंफेक्शन है जिसका नाम ब्लैक फंगस कहा गया है। अगर आप इसका करेक्ट साइंटिफिक नेम देखें तो ब्लैक फंगस का सही साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम है म्यूकोमाइकोसिस। म्यूकोमाइकोसिस, इसको शॉर्ट में या कॉमनली नेम या कॉमन तरीके से इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। और हाल ही में ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि ये कई जगह से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि जो पेशेंट्स जिनको COVID-19 या कोरोना का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, खासतौर से ऑक्सीजन थेरेपी या स्टेरॉइड्स, उन पेशेंट्स में काफी पेशेंट्स की शिकायत है कि उनको रिकवरी के बाद ब्लैक फंगस डेवलप होने के कारण उनकी या तो आंखें चली गई, विजन चला गया, फेस चला गया, या कईयों का ब्रेन डैमेज होके कई लोगों की इसमें डेथ भी हो चुकी है। हाल ही में गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उस टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हमारे सामने प्रेजेंट की हैं। कोशिश करेंगे कि अगले 5 से 7 मिनट के अंदर उन रिकमेंडेशंस को हम आप तक पहुंचा सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ब्लैक फंगस शुरू कहां से होता है। दोस्तों, ब्लैक फंगस जनरली आपकी स्किन आपकी चमड़ी से स्टार्ट होता है, लेकिन ब्लैक फंगस कई बार धीरे धीरे बढ़ते हुए आपके लंग्स में या आपके ब्रेन तक भी पहुंचकर उन ऑर्गन्स को काफी डैमेज कर सकता है। बहुत सारे केसेस हाल ही में कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान या कोरोना के ट्रीटमेंट के बाद देखे गए हैं ब्लैक फंगस के, पर्टिकुलरली दिल्ली में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। और जब ये धीरे धीरे केसेस बढ़ने लगे तो गवर्नमेंट को लगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोरोना को हम धीरे धीरे कंट्रोल में ले आए लेकिन एक दूसरे टाइप का उसका साइड इफेक्ट हमारी पॉपुलेशन को, हमारी आम जनता को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे।
तो गवर्नमेंट ने एक COVID-19 की जो टास्क फोर्स है उसको ये जिम्मा सौंपा कि आप इसको पूरी तरह स्टडी करें और स्टडी करने के बाद इससे रिलेटेड आप रेकमेंडेशंस सजेस्ट करें। तो दोस्तों, ब्लैक फंगस बहुत रेयर बीमारी है, मतलब काफी कम लोगों को जनरली होती है। ऐसा नहीं कि ब्लैक फंगस की बीमारी कोरोना के एपिडेमिक से पहले लोगों को नहीं होती थी, क्योंकि बहुत रेयर थी, पहले भी होती थी, लेकिन अभी इतनी लाइमलाइट में इसलिए आ गई है क्योंकि कोरोना की जो ट्रीटमेंट है, खासतौर से चाहे वो ऑक्सीजन थेरेपी हो, स्टेरॉइड्स हो, और उन पेशेंट्स को जिनको पहले से किसी ना किसी तरह की बीमारी हो, उनमें ब्लैक फंगस के इंस्टेंसेस या चांसेस ज्यादा देखे गए हैं। तो ब्लैक फंगस एक ग्रुप है जो जनरली उन लोगों को ज्यादा अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कॉम्प्रोमाइज होती है, कम होती है किसी ना किसी कारण से, या तो पहले से किसी रोग से वो ग्रसित हों, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, या पहले से मेडिकेशन पर चल रहे हों, ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस कहीं ज्यादा फर्क कर रही है, इंपैक्ट कर रही है, डैमेज कर रही है। और ब्लैक फंगस कई बार साइनोसिस, मतलब हमारे नाक के माध्यम से, और कई बार हमारे लंग्स तक, एक्चुअली हमारी बॉडी को, ब्रेन भी ये ब्लैक फंगस धीरे धीरे डैमेज कर सकती है। और इस कारण अभी जो टास्क फोर्स है उसने जो रिकमेंडेशन दी है उसके हिसाब से बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना, दैट इज ए गुड न्यूज, क्योंकि बहुत रेयर है, इंस्टांसेस बहुत ज्यादा अभी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, पैनिक नहीं होना है। साथ ही साथ ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर ब्लैक फंगस से किसी को कोई दिक्कत हो भी जाती है तो उसकी रिकवरी भी काफी हद तक पॉसिबल है दोस्तों। और ऐसे लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता, आंतरिक क्षमता नॉर्मल हो, रेगुलर हो, स्ट्रांग हो, ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस की बीमारी होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम चांसेस हैं कि ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस से किसी तरह का नुकसान हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि ब्लैक फंगस किसी को इंपैक्ट कर रहा है, कौन से वो सिम्टम्स हैं, कौन से वो लक्षण हैं जिनको हम स्टडी करके, ऑब्जर्व करके ये एक आइडेंटिफाई कर पाए कि कहीं ये केस ब्लैक फंगस का तो नहीं है। तो मैं कुछ सिम्टम्स अब आपको लिस्ट आउट करना चाहूंगा, उन सिम्टम्स को आप ध्यान से सुने दोस्तों, पढ़ें, देखें, क्योंकि ये सिम्टम्स भगवान ना करे आपके किसी रिश्तेदार को, जानने वाले को, परिवार को, समाज में, देश में सिम्टम्स डेवलप हों और वक्त रहते उन सिम्टम्स को अगर आइडेंटिफाई नहीं किया गया और ये बीमारी बढ़ने लगी तो एक स्टेज ऐसा आ सकता है जब वहां से रिकवर कर पाना मुश्किल हो। तो सबसे पहला सिम्टम या लक्षण मैं बताऊंगा कि अगर आपकी नाक या आंख, इनके आसपास अगर रेडनेस हुए, मतलब थोड़ा लाल अगर आपको लग रहा है, उसके साथ ही साथ अगर आपको फीवर है, आपको हेडेक है, सरदर्द है, आपको कफ है, आपको खांसी आ रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत है, ब्रेथलेसनेस है, या फिर अगर आप उल्टी कर रहे हैं उसमें किसी तरह के खून के ट्रेसेस अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम हो सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ये ब्लैक फंगस की बीमारी से रिलेटेड हो। उसके साथ ही साथ कई बार इससे, क्योंकि ब्रेन को डैमेज करता है, आपका जो मेंटल स्टेटस है, आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर है, इसमें भी बदलाव ब्लैक फंगस ला सकती है। तो क्विकली दोस्तों एक बार फिर रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं कि आपकी आंख के पास, आपकी नाक के पास अगर आपको रेडनेस दिखाई देती है, स्वेलिंग दिखाई देती है, या फिर आपको फीवर है, आपको हेडेक है, आपको कफ है, आपकी कफ में अगर ब्लड के ट्रेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, सांस लेने में अगर आपको दिक्कत है, तो ये सिम्टम्स या इसमें से कुछ सिम्टम्स ब्लैक फंगस से रिलेटेड हो सकते हैं। जरूरी नहीं दोस्तों कि अगर किसी को ये सिम्टम्स हों तो वो 100% ब्लैक फंगस ही होगी, हो सकता है किसी और कारण से भी हो, लेकिन अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको दिखाई देता है तो मुझे लगता है इमिजिएटली आप डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि बात और ज्यादा ना बढ़े, वक्त रहते ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके और इस फंगल डिजीज को कम कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में हमने पता कर लिया, इसके सिम्टम्स के बारे में पता कर लिया, इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है? तो ऐसी बीमारी नहीं है जो पहली बार लाइमलाइट में आई है या पहली बार यह डिस्कवर हुई है, इसका ट्रीटमेंट पहले से एग्जिस्ट करता है।
और जो हमारी एंटी फंगल मेडिकेशन है वो इसका अगर शुरू में ही उनको प्रॉपरली एडमिनिस्टर किया जाए तो इस बीमारी को शुरुआत में ही रोका जा सकता है। लेकिन अगर वक्त रहते इस डिजीज को नहीं रोका गया और बॉडी को डैमेज अगर ये लगातार करती गई तो एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि मेडिकेशन से शायद काम ना चले, सर्जरी की आवश्यकता उस पर्टिकुलर पेशेंट को पड़ जाए। अब ये आप कैसे इंश्योर करेंगे कि स्थिति ऐसी बिगड़े ना, खराब ना हो, शुरुआत ना हो कि ऐसी अवस्था में हमें पहुंचना पड़ जाए कि कहीं हमें सर्जरी का सहारा लेना पड़े, सर्जरी करवानी पड़े। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में, या मैं कहूंगा बचाव में, प्रिवेंशन में, वो है कि डायबिटीज जिनको भी हो, शुगर की बीमारी जिनको भी हो, उनको अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना ही होगा। सबसे बड़ा अगर कोई रिस्क फैक्टर है ब्लैक फंगस से रिलेटेड तो वो है डायबिटिक पेशेंट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो देखा जा रहा है, इनफैक्ट जो एम्स के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर गुलेरिया, उन्होंने भी कहा है कि कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से स्टेरॉइड्स को एडमिनिस्टर किया जा रहा है। मतलब कोरोना का जब ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो बहुत सारे डॉक्टर्स द्वारा, हॉस्पिटल्स द्वारा बिना बहुत सोचे समझे भारी मात्रा में स्टेरॉइड्स पेशेंट्स को दिए जा रहे हैं और उसका साइड इफेक्ट ये निकल कर आ रहा है कि हैवी स्टेरॉइड्स की वजह से, अनरेगुलेटेड स्टेरॉइड डोजेस की वजह से ब्लैक फंगस के इंस्टेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप डायबिटीज कंट्रोल करेंगे, आप स्टेरॉइड्स को कंट्रोल करेंगे, उसके साथ ही साथ आप ऐसी दवाइयों को लेना बंद कर देंगे जिनसे आपकी इम्यूनिटी पे, आपकी प्रतिरोधक क्षमता पर, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़े। और ऐसी दवाइयों को हम कहते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स। डायबिटीज पे कंट्रोल, इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स को आप रोकना होगा और जो स्टेरॉइड्स हैं उनको आपको लेना कम करना होगा, बंद करना होगा। इसके साथ ही साथ जब आप ये चीजें कर लेंगे, अपनी बॉडी को आप पूरी तरह हाइड्रेटेड रखें। पानी, लिक्विड्स, फ्लूड्स, जूसेस, नारियल पानी आप लगातार लेते रहें। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि हाइड्रेशन का इश्यू है तो जो आईवी फ्लूड होता है या नॉर्मल सलाइन होता है उसके साथ ही साथ एम्फोट्रेसिन बी और एंटीफंगल थेरेपी 4 से 6 हफ्ते तक आप कंटिन्यू रखें। तो अगर आप ये प्रिवेंशन लेंगे, आपको लगता है कि ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, हो सकती है, एंटीफंगल ट्रीटमेंट लेंगे, साथ ही साथ इन सारी चीजों को आप 4 से 6 हफ्ते तक अगर प्रैक्टिस करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, तो ये सजेशन है टास्क फोर्स का कि ब्लैक फंगस की बीमारी से निजात पाई जा सकती है, उसके द्वारा जो डैमेज किया जा सकता है उसको लिमिट किया जा सकता है। जब इस बीमारी का आपको सस्पेशन हो, आपको बिल्कुल भी कहीं लगे कि शायद ये बीमारी इन्फेक्ट कर सकती है या कर रही है किसी को, तो इंपॉर्टेंट जो चीज होगी वो ये होगी कि आप हाइपरग्लिसेमिया को आप इमीडिएटली कंट्रोल करें। और जैसा मैंने पहले कहा कि डायबिटीज आपको कंट्रोल करनी ही होगी, चाहे वो आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करके करें या आपका जो भी डायबिटिक पैटर्न है या सॉल्यूशन है या जो भी आपका रूटीन है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। वो आपका डाइट रूटीन हो सकता है, आपका मेडिकेशन रूटीन हो सकता है, इन सभी चीजों को आप डॉक्टर से कंसल्ट करके रेगुलेट करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उसके अलावा जो लोग कोरोना के इलाज के बाद डिस्चार्ज होते जा रहे हैं उनको आप खास तौर से मॉनिटर करेंगे, उनके डायबिटीज के लिए, उनके ग्लूकोज लेवल के लिए, उनके शुगर लेवल के लिए। आप देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इलाज के बाद इन तीनों चीज में किसी तरह का फ्लक्चुएशन, चाहे कम या ज्यादा, दोनों ही चीजें खतरनाक हैं दोस्तों, तो इसका भी आप पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। अगर बात इतनी बढ़ जाए कि या तो समय रहते हुए इस बीमारी के बारे में आप पता ना कर पाए या इन सब ट्रीटमेंट के बावजूद भी आप इसको कंट्रोल ना कर पाए, तो भी टास्क फोर्स का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ डैमेज हो भी जाता है पार्ट का, चाहे नोज हो, चाहे आई हो या फेस हो, इन सभी का बाद में सर्जरी के थ्रू या प्रोथेसिस के थ्रू
आर्टिफिशियली उन चीज़ों को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। अगर आपकी नाक मान लीजिए थोड़ी डैमेज हो गई, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अगर आपका फेस थोड़ा डैमेज हो गया तो फेस को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। और इस वजह से ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है अगर किसी को ब्लैक फंगस इंपैक्ट करती है तो। ये बिल्कुल सही बात होगी कि अगर वो आपके कुछ ऑर्गन्स को, चाहे फेस हो, नोज हो, आईज हो, ब्रेन हो, अगर किसी भी तरीके से डैमेज करती हैं, उसको आप रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि जो आपकी नेचुरल फिजिकल फीचर्स हों थोड़े से चेंज हो जाएं। हो सकता है उसकी वजह से आपको थोड़ा सा सोशल स्टिग्मा का फील हो, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम आपकी जान तो बच गई। तो इस चीज को पैनिक नहीं होना है, सिम्टम्स को मॉनिटर करना है, जैसे ही आपको पता चले डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और उसके बाद इमीडिएटली एंटी फंगल थेरेपी 4 से 6 वीक्स के लिए इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी है। सिचुएशन अगर थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो, डॉक्टर के सुपरविजन में सर्जरी भी दोस्तों इसका एक अंतिम ऑप्शन हो सकता है। अब हम एक शॉर्ट सेशन के थ्रू आपको बताना चाहेंगे इंफॉर्मेशन जो हाल ही में रिलीज्ड DRDO की लेटेस्ट मेडिकेशन है, ड्रग है, कोरोना को ट्रीट करने के लिए, जिसका नाम रखा गया है 2DG। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, इसका नाम है 2DG। और 17 मई को डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, श्री हर्षवर्धन जी ने इस ड्रग का एक तरीके से अनाउंसमेंट किया, उद्घाटन किया। और ये ड्रग एंटी कोविड-19 है। और अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखें कि 2DG का मतलब क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है 2-deoxy-D-glucose। और करीब 10,000 डोजेस का 17 तारीख को दोनों माननीय मंत्रियों द्वारा शुभारंभ किया गया, समाज के लिए समर्पित की गई। हाल ही में ये इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि DRDO ने डेवलप की है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की डिफेंस रिलेटेड सेक्टर में सरकार की मुझे लगता है सबसे बड़ी कदम या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगी, उनके डिपार्टमेंट ने इसको डॉक्टर रेड्डीज लैब जो कि हैदराबाद की हैं, उनके साथ मिलकर इस ड्रग को डेवलप किया है। और जब ये ड्रग डेवलप हो गई तो हाल ही में 1 मई को DGCI, जो कि हमारे देश का सबसे ऊंची अथॉरिटी है, जब भी कोई ड्रग आती है और किसी चीज के लिए उसको ऑथोराइज करना होता है, तो ये DGCI का ही काम है कि उस ड्रग को अच्छे से उसके सेफ्टी फीचर्स के लिए, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, उसकी थेरेप्यूटिक यूज के लिए, मेडिसिनल वैल्यू के लिए, उसको प्रॉपरली एनालाइज करे और उसके बाद ही उसका अप्रूवल या रिजेक्शन DGCI प्रदान करे। तो 1 मई को DGCI ने ये जो नई ड्रग है 2DG, जो DRDO और डॉक्टर रेड्डीज ने मिलकर बनाई है, इसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया गया है, ऐसे कोरोना के पेशेंट्स जो कि मॉडरेट या फिर सिवियर, मतलब गंभीर और अति गंभीर टाइप के जो लोग हैं, ऐसे कोरोना के पेशेंट्स को इमरजेंसी में इस मेडिसिन को मेडिसिनल या डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर एडमिनिस्टर किया जा सकता है। अगर हम इस मेडिसिन के बारे में देखें कि इसका फॉर्मुलेशन क्या है, इस मैजिक पिल में क्या ऐसी चीज है जो इतनी इफेक्टिव है, किसने इसको डेवलप किया है, तो DRDO की एक लैब है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस। उस पर्टिकुलर लैब DRDO की ने मिलकर हैदराबाद बेस्ड जो एक बड़ी फार्मेसी कंपनी है, जो कि Sputnik 5 जो ड्रग आ रही है रशिया से कोरोना की, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ कोलैबोरेट करके इस ड्रग को पिछले लगभग 1 से 1.5 साल में डेवलप किया गया है। अच्छा दवाई काम कैसे करती है, अलग कैसे है अभी जो डिफरेंट दवाइयां मार्केट में अवेलेबल है, तो इसका जो क्लिनिकल ट्रायल किया गया है इस दवाई का, वो हमें दिखाता है कि ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ऐसे पेशेंट्स जो कि कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, जिनकी कंडीशन मॉडरेट या सिवियर है, ऐसे पेशेंट्स को ये जल्दी रिकवरी में, जल्दी ठीक होने में बहुत ही मदद करता है। इनफैक्ट अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, सीवियर कंडीशन है, इस मेडिसिन को सुपरविजन में दिया जाए उसे, तो उनकी रिकवरी हो सकता है कि बिना ऑक्सीजन या सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के भी जल्दी से हो सके। इस ड्रग की जो बेहद खास बात है,
ये ड्रग सिर्फ उन्हीं सेल्स जो हमारे शरीर के अंदर सेल्स होते हैं उन्हीं सेल्स में ये ड्रग जाके चिपकती है जो एक्चुअली कोरोना के द्वारा डैमेज किए गए हों या इन्फेक्ट किए हों। मतलब ये ड्रग उन सेल्स में जाके नहीं चिपकेगी जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं जिन पे कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ा है। अगर कोरोना का प्रभाव हमारी बॉडी में है और ऐसे सेल्स जिनमें वायरस इन्फेक्शन कर चुका है फैला चुका है तो उन सेल्स में ये ड्रग जाके एक तरीके से अक्यूमुलेट हो जाएगी, चिपक जाएगी और वहां जाके चिपक के अक्यूमुलेट होके जो वायरल सिंथेसिस है मतलब वायरस अपने आप को और आगे बढ़ाता है, डेवलप करता है, रिप्रोड्यूस करता है, एनर्जी बनाता है, उसको ये वहीं का वहीं रोक देगी। और इस कारण से अगर किसी पेशेंट के अंदर वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहा है, कोरोना की बीमारी बढ़ रही है, तो ये ड्रग उसके अंदर जाके उस वायरल सिंथेसिस को वहीं का वहीं जाम कर देगी और धीरे धीरे वायरस जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, ऊर्जा नहीं मिलेगी, धीरे धीरे अपने आप ही वो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यही चीज इसको अपने आप में यूनिक बनाती है। ये सिर्फ उन्हीं सेलों पे अटैक करती है, उन्हीं सेलों पे काम करती है जो कि कोरोना से इंपैक्टेड है, जिनका कोरोना पे प्रभाव है। हेल्दी सेल्स में ये ड्रग किसी तरह का कोई इंपैक्ट इफेक्ट नहीं डालेगी। अब क्या ये ड्रग सेफ है? तो जो DRDO की लैब है इनमास, उसने कोलैबोरेट किया सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रो बायोलॉजी हैदराबाद CCMB, और इन लोगों ने जो नया मॉलिक्यूल डेवलप किया 2DG ड्रग के माध्यम से, वो कि SARS-CoV-2 जिसको शॉर्ट में कोरोना वायरस कहा जाता है उसके ऊपर बहुत इफेक्टिव पाया गया था। जब स्टार्ट हुआ काम अप्रैल 2020 में, तो मई 2020 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के द्वारा सेकेंड फेज क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए परमिशन दी गई। अगर हम बात कर लें कि कितने हॉस्पिटल्स, कितने लोगों पे इसका ट्रायल हो चुका है, तो इसका जो फेज 2A था वो करीब 6 अलग अलग अस्पतालों में क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए गए, और फेज 2B जो था कि कितना डोज देना चाहिए, वो अलग अलग अस्पतालों में 11 अस्पतालों में इसका बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल कैरी आउट किया गया। तो जैसा इस पैनल ने कहा, DRDO ने कहा, डॉक्टर रेड्डीज ने कहा कि ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है, DGCI सारा डेटा एनालाइज कर चुका है और अभी के हिसाब से इस ड्रग को पूरी तरह मेडिसिनल सेफ्टी के साथ रिलीज किया जा रहा है। एक और विशेष जो बात बताऊंगा इसके बारे में, इसके फायदे क्या हैं दूसरी दवाइयों के मुकाबले, एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि 2DG एक जेनेरिक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। जैसा ग्लूकोज होता है चीनी में, शुगर में, उसी टाइप का यह भी मॉलिक्यूल है। क्योंकि यह जेनेरिक मॉलिक्यूल है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। अभी अगर आप हाल ही की वैक्सीन देख रहे होंगे, चाहे वो कोविशील्ड हो, स्पुतनिक हो, फाइजर की हो, मॉडर्ना की हो, उन सब का अपना एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला है। इस वजह से कोवैक्सीन भी जब गवर्नमेंट ने चाहा कि क्यों ना इसको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर किया जाए, तो क्योंकि ये भारत बायोटेक की स्पेसिफिक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी पे है, हर कोई दूसरी कंपनी उनकी परमिशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बिना उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। लेकिन इस 2DG ड्रग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि ये एक जेनेरिक मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज जैसा है, तो इसको हर कंपनी, हर फार्मा कंपनी या फिर जो ऑथोराइज्ड फार्मा कंपनीज हैं, आसानी से इसको लार्ज नंबर्स में मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। और जो लास्ट इसका एडवांटेज मैं कहूंगा या लास्ट बात कहूंगा आज के लेक्चर में, कि इस दवाई को जरूरी नहीं कि आप इंजेक्शन से लें, अभी ये पाउडर या एक शैशे में दी जा रही है जिसको सिंपल आप पानी के अंदर सैशे फाड़ें, इसको घोलें जैसा कि हम नॉर्मल दवाइयां लेते हैं और आप इसको पी जाएं और उसी से ये अपना काम करना शुरू कर देगी। तो दोस्तों, आज के दोनों शॉर्ट टॉपिक्स यही खत्म होते हैं। हमें उम्मीद है कि इन टॉपिक्स के माध्यम से आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ी होगी, इन्हेंस हुई होगी और आपको हमारे वीडियोज लेक्चर्स लगातार पसंद आ रहे होंगे। इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कलर कोडेड PDF है, आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सारी चीजों को। और इसी के साथ स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।